हेलो माय आर्ट एंड क्राफ्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीटी। फ्रेंड्स, आज वाटर कलर आर्ट का एक लैंडस्केप लेकर मैं आई हूँ और आइए सीखते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से करेंगे विद डिटेल के साथ। मैं नॉर्मल ब्रशेस के साथ इसको कर रही हूँ। जो ब्रशेस वाटर कलर स्पेशल होती है मैं वो यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि सबके पास अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो, सबसे पहले तो जो आपकी शीट है, आजकल अलग से वाटर कलर के लिए शीट्स भी मिलती हैं और नॉर्मल शीट पर भी आप कर सकते हैं अगर आपको शौक है तो। तो आप शीट पर ना पानी लगा लीजिएगा अच्छे से और उसको उसके बाद हम कलर को स्प्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और कलर स्प्रेड किस तरह से करना है आप देख रहे हैं ना, कलर को लगाएंगे तो पानी की वजह से स्प्रेड अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसको एक शेप में किस तरह से लेकर आना है ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो, स्काई का जो व्यू है ना वो थोड़ा सा जो है ना इस तरह से होता है कि लाइट डार्क और अलग अलग शेड्स के साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो है ना व्यू होता है। तो मैं स्काई ब्लू नेवी ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ स्काई को हाईलाइट करने के लिए, और ये सभी करेंगे हम मर्ज अभी थोड़ी सी देर में। देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल जो है ना ये पेंटिंग बनी है, और इसको इस तरह से आप मर्ज कीजिए और अच्छे से ना बिल्कुल। और एक ट्रिक और मैं इसमें अभी आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका बहुत ही प्यारा क्लाउडी इफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से कपड़े से आप राउंड शेप में, जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, इस शेप में आप कपड़े को यूज़ कीजिएगा। किसी भी कपड़े को ले लीजिएगा, कॉटन के कपड़े को, और उससे इस तरह से डैप डैप करेंगे ना तो उससे जो है ना हमारे क्लाउड्स की शेप आएगी। तो ये देखिए, एक ट्रिक ये भी है कि आप कलर में थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करके उसको जो है ना बहने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन बहाए उसको इस बैलेंस के साथ कि वो आपकी मनपसंद शेप ले सके। सो, ये देखिए, पर्पल ब्लू और स्काई ब्लू कलर्स को हम मिक्स एंड मैच करेंगे, और जो हमारी जो साफ ब्रश है ना उससे हम एक्स्ट्रा कलर को उठा लेंगे। वाटर कलर की खासियत यही होती है कि वो कहीं पर डार्क और कहीं पर लाइट होता है। तो ये देखिए, सनराइज का हमने जो है ना सीन क्रिएट करना है, और उसके लिए हमें येलो कलर के बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा। येलो कलर के साथ थोड़ा सा ऑरेंज कलर, क्योंकि जब सनराइज होता है उस समय आसमान कुछ ऐसा ही दिखता है, कहीं येलो कहीं रेड और कहीं ब्लू। सो, इस तरह से हम उसको करेंगे और अच्छे से इन कलर्स को ना मर्ज करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही जो है ना सिंपल टेक्निक के साथ मैं ये जो लैंडस्केप आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि शौक़ सबको होता है पेंटिंग का, लेकिन अगर बिगनर लेवल पर सीखा जाए ना तो हमें एडवांस लेवल पर सीखने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये थोड़ा सा ना मैं इसमें रॉक्स की शेप ले रही हूँ, किस तरह से हम छोटे छोटे रॉक्स इसमें दिखाएंगे, और ज़्यादा रॉकी हम नहीं करेंगे इसको, ज़्यादा रॉक्स नहीं शो करेंगे, मतलब इतना ही कि आपकी जो ब्यूटीफुल सी लैंडस्केप आर्ट है ना वो थोड़ी सी आपको लगे कि मीन्स कहीं दूर पहाड़ है, इस तरह से हम उसको जो है ना शो करेंगे। तो ज़्यादा नहीं करना है, ग्रीनरी है। अब जो बेस में ग्रीन कलर को हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन ग्रीन कलर जब आप करेंगे ना तो ग्रीन कलर लाइट और डार्क ग्रीन कलर दोनों यूज़ कीजिएगा, तभी ग्रास का नेचुरल लुक है ना जो वो आता है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, बहुत ही जो है ना प्यारी सी हमारी ये सीनरी बनी है, और इसको पूरा एक इस तरह का लैंड क्रिएट करने की कोशिश की है, जो ग्रीनी एरिया होता है हमारा उस तरह से। देखिए, लाइट ग्रीन कलर जब कहीं कहीं आ रहा है ना बीच में, तो उससे थोड़ा सा फ्रेश लुक आ रहा है ग्रास का, जो मॉर्निंग में हमें दिखती है ना ओस वाली घास, उस तरह से जो है ना ये थोड़ा सा इसका जो लुक आएगा। सो, आप इसके ड्राई होने के बाद हम नेक्स्ट जो है ना स्टेप वो करेंगे, तब तक जो हमारा ऊपर का कलर जो है ना ड्राई हो चुका है उसको हम करते हैं। मैंने थोड़ा सा लाइट शेड बीच में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ मैं
जो है ना सन ड्रॉ करने वाली हूँ। सन भी मैं रफली बनाऊंगी, क्योंकि जब बादलों के बीच सूरज उगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो है ना प्रॉपर शेप राउंड ही हो, लेकिन आप देखिएगा बहुत प्यारी सी इसकी शेप आई है। और छोटी छोटी हर्ट्स मैंने बनाने की कोशिश की है इसमें, कि जो थोड़ा सा ना रेजिडेंशियल टाइप लगे, मीन्स रहने लायक लगे। और बहुत ही प्यारा सा ये लुक बना है, जिस तरह से ये कलर मर्ज होते हैं ना वाटर कलर, इनकी जो ब्यूटी है ना अपने आप में ही बहुत अद्भुत होती है। तो ये जो है ना इसको हम सब मैनेज करेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको ना एक शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बनाना है, बिल्कुल रफली जैसे हम बच्चे छोटे थे तब हम बनाते थे ना हर्ट, बिल्कुल वैसे ही आपको बनानी है। और इसको भी हम कलर करेंगे, लेकिन कलर करेंगे हम इसको थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए ट्री का जो है ना, हमें ट्रीज़ बनाने होते हैं तो किस तरह से बनाने होते हैं। वाटर कलर में ट्रीज़ बनाना बहुत सिंपल है, सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक्स चलते हैं और एक शेप में आपको उसको करना होता है। जिस तरह से मैं ये ना राउंड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि राउंड ट्रीज़ जो होते हैं गहरे गहरे, वो वाला ट्री मैंने यहाँ क्रिएट किया है। और यहाँ पर मैं थोड़े से लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना, उस तरह से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप जब ये काम करेंगे ना, तो आपकी ब्रश में पानी और कलर की जो क्वांटिटी है ना, वो 70-30 होनी चाहिए। आई मीन टू से 70% जो है ना आपको कलर लेना है और 30% वाटर लेना है। और उसके बाद आप जब काम करेंगे ना, तो बहुत इजीली आपका जो है ना वर्क होगा। और ये देखिए ग्रास बनाना भी वाटर कलर में कितना सिंपल है, ओनली ब्रश के स्ट्रोक से ही हम काम कर रहे हैं, कोई ख़ास इसमें टेक्निक नहीं है। और आप लोग जब करेंगे ना तो समझेंगे इस बात को, बहुत इजी है ये आर्ट करना। और हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस थोड़ा सा इसको हमें और भी जो है ना ब्यूटीफुल मनमोहक सा जो इसका लुक देना है, वही इसकी फिनिशिंग बाकी है। ऑलमोस्ट हमारी जो है ना पेंटिंग कंप्लीशन पे है। और फ्रेंड्स जब भी आप ये करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि एक कलर के जो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब आप दूसरा कलर कीजिएगा, वरना कलर्स का ना मिक्स होने का जो है ना चांस ज़्यादा रहता है। सो ये देखिए थोड़ा सा जो हमारी बाउंड्री होती है ना, बाड़ बोलते हैं जिसे, उस तरह से मैंने इसको क्रिएट करने के लिए कोशिश की है। और ये बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। जब भी मैं कोई सीनरी या कुछ पेंटिंग ऐसी करती हूँ, तो मैं इसको ना क्रिएट करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा लुक आता है, गार्डन व्यू। तो बिल्कुल उसी तरह से हम देखिए ब्राउन कलर से भी हल्की हल्की घास है ना, उसको बना रहे हैं। और देखिए घास जैसे जैसे बनती जा रही है, और हमारा जो ये एरिया है ना, ये कवर भी होता जा रहा है। तो अब बारी है छोटे छोटे कुछ फ्लावर्स बनाने की। तो रेड कलर और येलो कलर से, या फिर आपके जो भी पसंद का कलर हो, उससे आप इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के फ्लावर्स बना लीजिएगा। क्योंकि फ्लावर्स जब होते हैं ना हमारी वैली में, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। खुद भी हम इमेजिनेशन करके देखेंगे तो फूलों की घाटी का तो लुक ही अलग होता है। तो ये देखिए सन मैंने बनाया है, बिल्कुल राउंड शेप में है, लेकिन उसको ऑरेंज और येलो और वाइट से मैंने उसको हाईलाइट किया है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री PD।